हम भिखारी भी भीम की बदौलत अब करोड़ों कमाने लगे। हम भिखारी भी भीम की बदौलत अब करोड़ों कमाने लगे। हम भिखारी भी भीम की बदौलत हम भिखारी भी भीम की बदौलत अब करोड़ों कमाने लगे। जिनके सर पे थी कल तक गुलामी जिनके सर पे थी कल तक गुलामी वो सिकंदर बनाने लगे। जिनके सर पे थी कल तक गुलामी वो सिकंदर बनाने लगे। दोस्तों जय भीम नव उद्धाय, मैं नीलेश ओंकार लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस विशेष प्रोग्राम में संत महापुरुषों की विचारधाराओं को आपके सामने रखते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती इस वर्ष हम मनाने जा रहे हैं और हम ही नहीं तो पूरी दुनिया बड़े ही धूमधाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले हमने जयंती मनाई नहीं है। हर साल हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम जो है वो दुनिया में सबसे बड़े विद्वानों में आता है। दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम नहीं जानता है, उनकी विद्वत्ता को नहीं पहचानता है। भारत ये जो देश है, इस देश के आधुनिक निर्माता, ऐसा हम उनको संबोधते हैं, ऐसा उनको सम्मान हम देते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखा संविधान जो है वो संविधान सबसे महान संविधान माना जाता है और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान पूरी दुनिया करती है और जयंती भी उतने ही बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा हो या फिर संत महापुरुषों की विचारधारा हो, ये सारी विचारधारा रखते हुए मैं आज आपको एक अलग सब्जेक्ट पर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम कला की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज परिवर्तन में सदियों से कला का एक बहुत ही बड़ा महत्व है और कला की अहमियत अपने अपने काल में बहुत ही बड़ी रही है। बाबा साहब भी खूब मानते थे, जब संत गाड़गे महाराज कभी कीर्तन करते थे तो बाबा साहब कभी कभी बैठा करते थे उनके कीर्तन में और कहा करते थे कि मेरे 10 सभाएं, मेरी 10 भाषण और आपका एक कीर्तन, आपका एक प्रबोधन का कार्यक्रम। तो कला में ये ताकत होती है, कला समाज परिवर्तन में एक बहुत ही अहम हिस्सा मानी जाती रही है और मानी जाती रहेगी। इसीलिए आज हम ऐसे ही एक राष्ट्रीय कलाकार राहुल अन्वीकर जी का आपको परिचय करा के देंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे, खासतौर पर मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कला का कितना महत्व है, इसकी हम चर्चा आज इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि कला का क्षेत्र जो आपने चुना है, इस क्षेत्र का महत्व समाज रचना में और समाज प्रबोधन में कितना है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो कला का क्षेत्र मैंने चुना नहीं है, मुझे ये कुदरतन मेरे बाप से आया हुआ है, क्योंकि मेरे बाप हरिभव अन्वीकर ये बड़े मशहूर कलाकार थे उस दौर में और उनको राष्ट्रपति पदक भी मिला हुआ है उनके दौर के अंदर, जो लोक नाट्य के माध्यम से समाज की भलाई बुराई वो नाट्य के माध्यम से समाज के सामने बताते हैं और ये उनके खून में से मुझे खून के अंदर ये आई हुई बात है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। रहा इसका महत्व, इसका महत्व समझने वाले को है, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है कि इसको कोई हद नहीं है। जैसे तुम अगर दिल में ठान ले भाई कि मुझे आज तलवार लेकर 1 घंटे के अंदर इतने लोगों को काटना है, तो तुम 1 घंटे के अंदर 100, 200, 500 लोगों को तलवार के जरिए तुम काट सकते हो, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। तुम अगर चाहो तुम्हें ज़्यादा लोगों को मारना है तो तुम
एटम बम बना सकते हो और बम के जरिए तुम ये कह सकते हो कि मैं इतने लोगों को मार सकता हूँ, मैं दुनिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन वो बम की जितनी हैसियत होती है, एक घंटे के अंदर वो लाख, दो लाख, चार लाख लोगों को मार सकता है। लेकिन कला सुर एक ऐसी चीज़ है कि इसकी कोई हद नहीं होती है, इससे तुम किसी को मार नहीं सकते हो, इससे तुम प्यार जता सकते हो। ये बुद्ध के ज़माने से आए हुआ मार्ग है और ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है साथियों, मैं ऐसा मानता हूँ। ये जो कला है संगीत, ये बुद्ध के ज़माने से आई हुई देन है और ये कुदरती देन है और जो मुझे मिली है, मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ। देश में ही नहीं तो विदेश में भी आपके गायकी के चर्चे हैं और लोग बड़े ही इज्जत से सुनते हैं आपको। आपके गीतों में एक अलग परिवर्तन की राह दिखती है, एक अलग प्रबोधन का माध्यम दिखता है। तो कब से आप ये गा रहे हैं और कब से ये जो प्रबोधन का मार्ग है गायकी में, अपने आप को आपने बचा के रखा, मैं ये जहाँ तक मेरी समझ है वो आपने किया है, तो ये कब से आप कर रहे हो और इसका आगे चल के या फिर आज तक समाज में क्या प्रभाव हुआ है? ये तो वैसे मैं बचपने से इस कला के क्षेत्र में हूँ, मैं पहले बता, मुझे खून से आया है। लेकिन मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी कहते थे, ये छोटा बच्चा, शायद मुझे चार भाई है, हम चारों मिलके भाई है, तो मेरे पिताजी बोलते थे ये तीन भाई ये कुछ काम के मुझे नज़र नहीं आ रहे, ये छोटा वाला बच्चा मुझे एक अच्छा नज़र आ रहा है, ये कुछ ना कुछ तो भी मेरा कारवा आगे बढ़ाएगा। तो इस क्षेत्र में मैं बचपने से ही हूँ भाई। हाँ हाँ, समाज में क्या प्रभाव लगता है आपको गायकी का? समाज में अलग अलग तबके के लोग हुआ करते हैं। देखो, अपना समाज हम लोग बोलते हैं कि बहुत होशियार हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से तो पेड़ों की, पौधों की, ज़मीन की, पत्थरों की, सारी भारत के ज़मीन जायदाद की हिफाजत की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बाबा साहब का एक महारों के प्रति बौद्धों का एक सपना था कि ये समाज को, इस महार कौम को बाबा साहब दुनिया के नक्श कदम पर एक अलग देखना चाहते थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब की राह हम लोग भूल गए हैं, कुछ हद तक कुछ लोगों ने अपनाया है, उनका तो मैं शुक्रिया अदा करूं। हम अभी तक भी ना बौद्ध बने, ना बाबा साहब के अनुयायी जय भीम बोलने वाले बने, इस बात का मुझे दुख होता है। और यही सोचकर मेरा ये मानना होता है कि गाने के अंदर मैं बाबा साहब की वाह ना करूं। बाबा साहब ने तुम्हें क्या करने के लिए बोला है? आज तक जो भी गाने होते हैं, तो बाबा साहब ने कोट पहना है, टाई पहनी है, नोटावर पाइजे, कोटावर पाइजे, प्रशंसा होती है। बाबा साहब ने बोला था मेरी प्रशंसा ना करे, मुझे कोई भगवान ना माने, मेरा जो रास्ता बताया हुआ है उस रास्ते पर चले। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे गीतों के जरिए, मेरे शायरों के शायरी के जरिए कि समाज को एक बाबा साहब का आंदोलन समझ में आए, एक ही कौम को नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को ये आंदोलन समझ में आ जाए। जब गायकी की बात हो ही रही है और आपके गीतों में एक अलग अंदाज होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इस वर्ष के लिए क्या कोई खास पेशकश या कुछ नया अगर दर्शकों के लिए पेश करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं हमेशा बोलते रहा हूँ कि मेरे ज़माने को मुझसे बड़ी शिकायत है, मैं क्या करूं, मुझे सच बोलने की आदत है, क्योंकि मैंने ये सबक भी बाबा साहब से सीखा है। आज मैं सरकार के खिलाफ बातें करते रहता हूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, और ये सबक मैं कभी कभी, अभी मोदी जी का बड़ा चर्चा हो रहा है टीवी के अंदर, तो लोग मोदी जी का नाम लेने डरते हैं क्योंकि उन्हें देशद्रोही बनाया जाता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं डरता हूँ, मैंने अभी मोदी की हैसियत, मेरा ऐसा मानना है कि उस दौर में गांधी जी की जितनी थी उससे कई गुना कम है। उस दौर में गांधी जी को लोग महात्मा मानते थे, लेकिन बाबा साहब का जो नज़रिया था आंदोलन का, बाबा साहब ने कभी गांधी जी की वाह नहीं बल्कि गांधी जी को हमेशा झूठी साबित करके रखा है। और ना ही बाबा साहब उनको डरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाप अगर किसी को नहीं डर सकता है तो मैं क्यों डरूँ भाई। मैं उसी बेखौफ को लेकर, उस बिना डर को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। क्या पेश करेंगे? आज भारत नहीं, पूरे दुनिया के लोगों ने देखा है कि भीमा कोरेगांव के अंदर जो एक हमला हुआ है, और उस हमले के निंदा
तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी की है, सर्व समाज के लोगों ने की है, एक तबका है भारत के अंदर जिन्होंने जो छुप के हमला किया है, उनसे मेरी अपील है, वो एक मुखड़े के अंदर मैं आपके सामने सुना मलय जाओ ओहो टूटे जरूर है मगर बिखर नहीं गए, और घर अपना छोड़ के किसी के घर नहीं गए। कैसे न होगा पूरा मेरे भीम का सपना, क्योंकि भीम जी के शेर बच्चे अभी मर नहीं गई। और जिन लोगों ने छुप के हमला किया है वो मेरे नजर में क्या है और उनसे मेरे ऐलान क्या है, क्योंकि मैं भी वही भीमा कोरेगांव के लोगों की पैदाइश है कि कुत्तों की औलाद हो तुम, अरे हिजड़ों की औलाद हो तुम, आगे से हमला बोलो ना, आगे से हमला बोलो ना, अरे कुत्तों की औलाद हो तुम, आगे से हमला बोलो ना, आगे से हमला बोलो ना, शान तो अपनी खोई नहीं और लड़ने को हम जैसा कोई नहीं, शान तो अपनी खोई नहीं और लड़ने को हम जैसा कोई नहीं, वो लड़ाई में सब जातियां थी, लड़ाई में सब जातियां थी, इतिहास के पन्ने खोलो ना और आगे से हमला बोलो ना, इतिहास के पन्ने खोलो ना और आगे से हमला बोलो ना। बहुत बहुत बढ़िया। और एक यही तो बात है कि मैं देख रहा हूँ और दर्शक भी देखते हैं, जहाँ भी आप गायकी करते हैं या अपने प्रबोधन का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक अलग समाज प्रबोधन मिलता है। और गायक बहुत सारे हैं, हम सभी गायकों की इज्जत करते हैं, लेकिन करना भी चाहिए, लेकिन जो मूवमेंट के लिए गाना होता है उसमें एक अलग मज़ा होता है और उसमें एक अलग बात होती है, वो आप जानते हैं। नहीं, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं बचपन से कांशीराम जी के आंदोलन से जुड़ा हूँ। मैंने कांशीराम जी के कैडर कैंप सुने हैं, मैं छोटा था जब से मेरे दिमाग में 1585 वाला फार्मूला फिट हुआ है। और मैंने आगे चलकर ये भी देखा है कि राम के धरती में कांशीराम की सरकार बन सकती है, तो मैंने ये सोचा कि शाहू फुले बाबा के धरती पर फिर जय भीम बोलने वाले लोगों की सरकार क्यों नहीं बनती। ये अलग बात है, लोगों का एक समझ है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का गायक हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी का गायक नहीं हूँ। मैं मुझे अगर अभी लगता है कि 2019 में अकोला के अंदर अगर प्रकाश अम्बेडकर खासदार बोलकर जीत कर आ सकते हैं तो मैं प्रकाश अम्बेडकर के अलावा किसी दूसरे दलित पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि वो बाबा साहब के पोते हैं, मुझे मालूम है वो जीत कर आ सकते हैं। जहां बाबा साहब को मानने वाला बंदा जीत के आ सकता है, फूले को मानने वाला बंदा, शाहू को मानने वाला बंदा, रविदास को मानने वाला बंदा जहां जीत कर आ सकता है दलित पार्टियों से, तो मैं उसका प्रचार करूँ। मुझे अगर लगता है भाई कि नागपुर के अंदर बहुजन उत्तर नागपुर में बहुजन समाज पार्टी का आमदार जीत के आ सकता है तो मैं दूसरे दलित पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करूंगा। मुझे अगर ऐसा लगता है कि सर सेनानी आनंदराज अंबेडकर बंबई में अगर उनका कहीं सीट जीत कर आता है, वो उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो मैं आनंदराज जी का प्रचार कर सकता हूँ मेरे भाइयों। क्योंकि जितने दलित नेता है, रामदास अठौले से लेकर, तो भाई हमारे गवई साहब राजेंद्र गवई, ये भी मेरे अच्छे दोस्त है, उनको भी मैं बताया कि अमरावती में आप खड़े रहिए, मैं आपके प्रचार के लिए आता हूँ।
तो ये जरूरी नहीं है कि, लेकिन लोगों की सोच छोटी होती है। मैं जब दिल्ली की बात करता हूँ तो उन्हें लगता है ये कांशीराम मायावती की बात करता है। अरे मैं तो, मेरा तो ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र के आंदोलन अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करो और समाज के सामने ऐसा कोई भी नेता दो, तुम चाहे मनोज संसारे क्यों ना हो, तुम कवाड़े सर क्यों ना हो, तुम रामदास आठवले तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे अच्छी बात करते हैं, फोन पर बात करते, प्रोग्राम में आते हैं, ये जरूरी नहीं है। मुझे अगर महाराष्ट्र के जनता ने, बाबा साहब के जनता ने अगर ये तय कर लिया कि किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाना है, तो राहुल अन्वीकर रात दिन अपना घरदार बाल बच्चे छोड़कर उसके लिए ज़रूर काम करेगा, क्योंकि मुझे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। एक सवाल यहाँ पर और मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हर इंसान मनाता है, घर घर में मनाई जाती है, अभी तो दुनिया में भी मनाई जाती है। जयंती मनाना ये एक अलग बात है, मनाना चाहिए और बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन होता एक ये है कि हम देखते आए हैं समाज में आज तक भावनात्मक रूप से हम ज़्यादातर बाबा साहब को जी, लेकिन उनकी वैचारिक जो मूवमेंट है, उनकी वैचारिक जो सोच है, जो हमारे आचरण में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। तो ये इस पर कई तरह से मत मतांतर समाज में दो तरीके के दिखते हैं। एक तबका है जो इस उत्साह को मनाने में व्यस्त है जी, एक तबका है जो केवल और केवल विचारों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा लगा हुआ है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे या आपकी राय क्या है? देखिए, कांशीराम जी कहा करते थे कि बार बार समझाने से अगर वो बात समझता नहीं है तो उसे समझाने में समय ना गवाए, किसी दूसरे आदमी को समझाए। मेरा तो ऐसा मानना है, हर तबके के लोग हैं, अड़ानी भी लोग हैं, अनपढ़ भी लोग हैं, अपने आप को शिक्षित समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनको जयंती मनाना यानी कि भाई बाल बच्चों को कपड़े लेना, औरत को गाड़ी लेना, अच्छा खाना बनाना और घूमते रहना, या तो कोई लोग दारू पी के डीजे पे बाबा साहब के गाने लगा के नाचना, इसको जयंती समझते हैं। मैं तो जयंती वो समझूंगा कि जो बाबा साहब ने कुर्बानी दी है, बाबा साहब माँ रमाई ने कुर्बानी दी है, उनके बच्चों की जो कुर्बानी, उन्हें जो दफनाया है, वो कुर्बानी का हिसाब अगर तुम्हें लेना है तो मैं तो कहूँ कि तुम 5 साल बेमानी करते रहो, तुम्हें जो करना है वो करते रहो, लेकिन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब के प्रति सिर्फ 1 सेकंड की ईमानदारी बरतो। जब भी राजा बनने का मौका आता है तो बाबा साहब वाले उम्मीदवार का बटन दबाइए नीला, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाइए। दिल्ली का प्रधानमंत्री या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाज को इकट्ठा करें। राजा बनूँ, मेरा मकसद है राजा बनूँ, क्योंकि ये बाबा साहब ने 1944 में मद्रास के अंदर कहा था, और सिर्फ कहा नहीं था, बाबा साहब ने समाज को आदेश दिया था कि मुझे छोटी मोटी नौकरी या छोटा सा आरक्षण या छोटी सी सौलत के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे लोगों को भारत के जमीन और जायदाद पर कब्जा करने का आदेश दे रहा हूँ। भारत के जमीन जायदाद पर कब्जा करो, दिल्ली के संसद पर कब्जा करो मेरे भाइयों। मेरा ऐसा मानना है जिस दिन कब्जा हो जाएगा उस दिन तुम किसी भी तरीके की कुछ भी बातें करेगे तो वो दुनिया तुम्हें मानती जाएगी मेरे भाइयों, और सचमुच तुम बाबा के फूले के बेटे हो ये भी मानने के लिए तैयार हो जाएगी। या जैसे आपने ये बात छेड़ी है तो मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि सत्ता की चाबी जो है वो अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात ये भी है, बाबा साहब ने आर्थिक और सामाजिक समानता चाही थी, सामाजिक और आर्थिक समानता भी वो चाहते थे, राजनीतिक समानता तो चाहिए ही चाहिए हमें। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए कहीं किस कुछ हद तक हम सफल भी होते हैं, लेकिन उससे हमारा सामाजिक और राजनीतिक विकास नहीं होता है, अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास नहीं होता है। इसलिए अगर मैं आपने वोट की बात करते हैं, वोट अगर हमें हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार है, फिर वो श्रीमंत हो, अमीर हो या गरीब हो, राजा हो गरीब हो जी, लेकिन उसी तरह से इस देश के संसाधनों में, इस देश की शिक्षा में, इस देश के उद्योग में, इस देश के खेती में, इस देश की हर चीज़ में हमारा जो हिस्सा है वो बराबरी का होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अमल बहुत कम हो रहा है, जो बातें बाबा साहब ने कही है या जो बातें संविधान कहता है उस पर अमल नहीं होता है। इसकी वजह भी है ना भाई, अमल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक जो जो भी सरकारें बनी हैं
भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश अगर छोड़ दिया चार बार, तो ये मनुवादी मानसिकता वाली लोगों की सरकार बनी है। और मनुवादी मानसिकता दलित, बहुजन, आदिवासियों को ये गुलाम बनाना चाहता है, ओबीसी को गुलाम बनाना चाहता है। और जिनको तुम्हें गुलाम बनाना है, वो तुम्हें सामाजिक और आर्थिक बराबरी में किस लिए लाएंगे भाई? और हम तुम उम्मीद भी क्यों करते हो? हाँ, जिस दिन तुम्हारे विचारधारा वाली सरकार बनेगी, उस दिन ये बात होगी। क्योंकि राजनीतिक चाबी ये सारे समस्याओं की चाबी है भाई, ताला है ये। ताला किसको भी लगाए, ये चाबी हर ताला खुल सकता है। ये ताला खुलने के लिए काम करो, मेरा समाज से अपील है। एक एक मुकड़ा अंत में मैं चाहता हूँ, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं। भीमाला जड़तन उग सचिलता, ओ भीमाला जड़तन उग सचिलता, मनुवादा चैथ उगम है र। ओ भीमाला जड़तन उग सचिलता, मनुवादा चैथ उगम है र। वाघ भीमाचे माहित नाही का, वाघ भीमाचे माहित नाही का, इथ 56 लाख कापायचा दम हाईर। वाघ भीमाचे माहित नाही का, इथ 56 लाख कापायचा दम हाईर। वाघ भीमाचे माहित नाही का, इथ 56 लाख कापायचा दम हाईर। बहुत ही बेहतरीन, ये हमारा इतिहास है जो हम इसको साबित करते आए हैं समय समय पर। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है, 56 को काटने का अगर तुम्हारे में दम है, तो ये दम 2019 में बताइए और एक परिवर्तन की नई लहर की शुरुआत। क्योंकि मनुवाद अभी आप लोग देख रहे, देश के अंदर दलित, बहुजन, मुस्लिम, आदिवासियों पर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है पूरे देश के तबके में, कि तुम तुम्हारे थैली में क्या लेकर जा रहे हो, ये भी पूछताछ हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन फूले को, शाहू को, बाबा को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोगों की सरकार बन सकती है, मैं उम्मीद करते रहता हूँ, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बरसों पहले बाबा साहब ने उम्मीद की थी और मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, एक न एक दिन मेरे बाप के बच्चों का राज आने वाला है और उसके लिए मैं मरते दम तक लड़ते रहूँगा। हम भिखारी भी भीम की बदौलत, हम भिखारी भी भीम की बदौलत, अब करोड़ों कमाने लगे। हम भिखारी भी भीम की बदौलत, अब करोड़ों कमाने लगे। हम भिखारी भी भीम की बदौलत, हम भिखारी भी भीम की बदौलत, अब करोड़ों कमाने लगे। जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, वो सिकंदर बनाने लगे। जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, वो सिकंदर बनाने लगे। क्या सुनाऊं मैं हमारी कहानी, क्या सुनाऊं हमारी कहानी, बरसों मांगा है बुजुर्गों ने पानी, क्या सुनाऊं हमारी कहानी, बरसों मांगा है बुजुर्गों ने पानी।
मेरे माँ बाप प्यासे रहे पर, मेरे माँ बाप प्यासे रहे पर हम समंदर पिलाने लगे। मेरे माँ बाप प्यासे रहे पर हम समंदर पिलाने लगे। जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, वो सिकंदर बनाने लगे, वो सिकंदर बनाने लगे, वो सिकंदर बनाने लगे। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों से अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर की। और जैसे कि मैं गायकी की बात करता था, मैं कला की बात कर रहा था, ये कला जो है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जितने भी मूवमेंट हम चला रहे हैं उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है। आज तक के जितने भी कलाकार आए हैं और यही जो सिलसिला है वो राहुल जी अन्विकर जिनको हम राष्ट्रीय कलाकार कहते हैं वो आगे बढ़ाकर लेके जा रहे हैं और देश में ही नहीं तो विदेश में भी अभी इनके गायकी के चर्चे हो रहे हैं। जी ये जो हमारे कलाकार है अभी यहाँ बैठे, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए भाई सैनिकों की सरदारों की ज़रूरत होती है। ये सरदार भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, सैनिक भी बैठे हैं, इनके ऊपर भी एक बार ज़रा कैमरा घुमाए ताकि इनके बाल बच्चे भी ये ना महसूस करें कि भाई बाहर जाकर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी लगे कि भाई ये भी बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं। ये भी बड़े बड़े संगीत के बड़े मायनाज लोग हैं यहाँ बैठे हुए, गजानन जी गवई है, हमारे रवि किरण मोरे जी है, हमारे शिवा भाऊ है, हमारे कांबड़े जी है, ये सभी हमारे साथ ही तबला मास्टर है, 20 साल पहली बार मेरे साथ आए हैं। हाँ जी, तो हमारे बिलास सेठ है, मैं इन सभी भाइयों का इनका भी खास तौर से शुक्रिया अदा करूँ। हर बात टीम वर्क से ही होती है और किसी एक का काम नहीं है, किसी भी चीज़ में अगर आगे बढ़ना है तो सबका साथ, लेकर। जी जी, और ये टीम है पूरी। मैं राहुल जी अन्विकर को आपके सामने पेश कर रहा था, इन्होंने इनके पीछे जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं या फिर उनके साथ के बगैर किसी भी तरह की गायकी सफल नहीं हो सकती, ये सारे लोग हैं और ये लगातार अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मूवमेंट यूं ही आगे बढ़ेगी। जैसे कि आपने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी और एक दिन जो बाबा साहब का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर, तब तक के लिए जय भीम नव उद्धाय। हम भिखारी भी भीम की बदौलत अब करोड़ों कमाने लगे, हम भिखारी भी भीम की बदौलत अब करोड़ों कमाने लगे, हम भिखारी भी भीम की बदौलत, हम भिखारी भी भीम की बदौलत अब करोड़ों कमाने लगे। जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, वो सिकंदर बनाने लगे। जिनके सर पे थी कल तक गुलामी, वो सिकंदर बनाने लगे।